नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। देश में कांग्रेस अब इस कदर बौखला गई है कि देश भर में 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ में भी राजनीति कर रही है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यानी UPS की शुरुआत की है, जो 23 लाख कर्मचारियों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। ये नई योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और ये 50% मूल वेतन की सुनिश्चित पेंशन का वादा करती है, जो मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार है। लेकिन कांग्रेस ने बिना किसी ठोस आधार के इस कदम की आलोचना शुरू कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नव घोषित एकीकृत पेंशन योजना यानी UPS में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न है। खड़गे ने इस यू टर्न को 4 जून की लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से जोड़ा, जिसमें BJP 240 सीटों पर सिमट गई। इसके अलावा खड़गे ने मोदी सरकार द्वारा हाल ही में बजट में सूचकांकीकरण के संबंध में किए गए फैसले को वापस लेने, वक्फ विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने, प्रसारण विधेयक को वापस लेने और नौकरशाही में लेटरल एंट्री भर्ती को वापस लेने के फैसले को सूचीबद्ध किया है। खड़गे के इस यू टर्न वाले बयान का अर्थ इतना ही था जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि UPS एक रोल बैक नहीं है, बल्कि NPS और पुरानी पेंशन योजना से पूरी तरह से अलग और उन्नत योजना है। दरअसल NPS के तहत पेंशन बाजार से जुड़ी थी, जिससे अंतिम राशि बाजार की स्थितियों के आधार पर बदल सकती थी। ये एक चिंता का विषय था, विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए जो सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के करीब थे। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा लाई गई UPS ने इन चिंताओं को दूर किया है और एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने का काम करेगा, जिससे ये एक अधिक विश्वसनीय और आकर्षक विकल्प बन जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार ने NPS के तहत मिलने वाली 14% की योगदान राशि को बढ़ाकर UPS में 18.5% कर दिया है, जिससे कर्मचारियों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। ये कांग्रेस की विडंबना है, जिसने हमेशा से ही आर्थिक अस्थिरता और नीतियों के गलत प्रबंधन का सामना किया है और अब खुद को सरकारी कर्मचारियों का रक्षक दिखाने की कोशिश कर रही है। यही पार्टी है जिसने अपने कार्यकाल के दौरान लाखों श्रमिकों को अपर्याप्त पेंशन प्रणालियों के साथ अधर में छोड़ दिया था। UPS के ठोस लाभों को मान्यता देने के बजाय कांग्रेस अपनी आदत के अनुसार तथ्यों के बिना केवल राजनीति कर रही है। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए TV और वेब सीरीज सेक्शंस जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियाँ। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा, फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रितम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज़।